छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। दीपक बैज का पीसीसी अध्यक्ष बनने के पश्चात जगदलपुर में हुआ भव्य स्वागत। बस्तर के भाजपा यू ने किया प्रदेश कांग्रेस के खिलाफ रैली एवं विरोध प्रदर्शन। जाने माने एक्यूपंचर सुरेंद्र मिश्रा का जगदलपुर में 7 दिवसीय प्रवास। मोबाइल यूज करने पर पेरेंट्स ने डांटा तो नाराज बेटी ने मिनी नियाग्रा में लगा दी छलांग। अब खबरें विस्तार से। पीसीसी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बस्तर पहुंचे बस्तर के सांसद दीपक बैज का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। सुबह से ही उनके स्वागत का दौर जारी रहा। बकायदा बस्तर जिले के आसना ग्राम में उन्हें पारंपरिक रूप से धान से तौला गया और शहर आगमन के साथ ही आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के बीच उनका स्वागत किया गया। पहली बार एसोसिएशन ने भी नवनियुक्त पीसीसी अध्यक्ष का स्वागत किया। शहर के कोतवाली चौक, एसबीआई चौक और मुख्य चौक में बकायदा स्थानीय लोगों ने भी दीपक बैज को पीसीसी के अध्यक्ष बनाए जाने पर शुभकामनाएं दी। शहर के गोल बाजार चौक पर नगर निगम के सभी पार्षदों ने भी अध्यक्ष का स्वागत किया। दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस की आलाकमान ने उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी है। इस जिम्मेदारी पर खरा उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। संगठन को मजबूत करना और आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरे 90 विधानसभा सीटों में विजय हासिल करना उनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। उन्होंने इस नए दायित्व के लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कुमारी शैलजा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धन्यवाद किया। नई जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए ईमानदारी के साथ निभाएंगे। हमारा लक्ष्य है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाना और 75+ सीट ला के हम सरकार भारी हम सीटों के साथ जीत कर आएंगे और छत्तीसगढ़ में दोबारा 2023 में हम सरकार बनाएंगे। कोई आदिवासी नाराज नहीं है। कुछ लोग उकसाने का कर रहे हैं, कुछ लोग भड़काने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बी टीम के तहत काम करने का प्रयास कर रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कांग्रेस सरकार के झूठे वादों व नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की वसूली के लिए किसानों को भेजे जा रहे नोटिस, स्थानीय भर्ती की मांग, कांग्रेस सरकार के झूठे वादे, प्रदेश के युवाओं, महिला, बुजुर्गों के साथ छलावा करने आदि विषयों पर भाजपा आवाज मुखर करते हुए भाजपा जिला कार्यालय से रैली निकाली। कांग्रेस सरकार का विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा की रैली नया पारा होते हुए चांदनी चौक से कलेक्ट्रेट पहुंचे व ज्ञापन सौंपा। भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी के नेतृत्व में समस्त भाजपाइयों ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जिला भाजपा महिला प्रकोष्ठ एवं युवा मोर्चा के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस धरना एवं रैली के बारे में जानकारी देते हुए पूर्व महापौर किरण देव ने मीडिया को संबोधित किया और युवा मोर्चा के अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने भी जानकारी दी। हम लोगों ने रैली के सकल पर कलेक्ट्रेट कार्यालय जाकर माननीय कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है। विषय यह है कि जो जिस प्रकार से कांग्रेस ने चुनाव के वक्त में यहाँ के स्थानीय लोगों को, शहर के वासियों को जिस प्रकार से वादा किया था कि हर घर तक जल जाएगा, पक्की सड़कें मिलेंगी, लाइटें कभी गोल नहीं होंगी, युवाओं को रोज़गार मिलेगा और महिलाओं को के लिए भी रोजगार के बहुत सारे विषय आएंगे और जिस प्रकार से यहाँ पर आए दिन लाइट गोल हो रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं, ये सारे अन्य जो
जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय के इस विषय को तत्काल इसका निराकरण किया जाए। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से विधायक और यहां के महापौर सिर्फ सत्ता के नशा पर बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, मंत्री और नेताओं के आगे पीछे घूम रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, स्थानीय जन मुद्दों पर इनको कोई सरोकार नहीं है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ मिलकर इन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी और इनसे जो कुर्सी में बैठकर ये मजा ले रहे हैं इनको जमीन पर, जिस जमीन से उठकर लोगों से वादा करके जिस जमीन पर आज कुर्सी में बैठे इन्हें वापस जमीन पर भारतीय जनता पार्टी बिठा कर आएगी। और भारतीय जनता पार्टी तो जब से कांग्रेस की सरकार बनी है यहाँ पर तभी से इस बात को कह रही है कि इन्होंने जनता के बीच में जाकर सत्ता सरकार के झूठे वादे किए और उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। और लगातार किसानों के हित में, युवाओं के हित में, बहनों के हित में और अन्य सभी क्षेत्रों में कर्मचारियों के हित हो चाहे कोई भी, भारतीय जनता पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ में उनकी आवाज़ बनकर और धरना प्रदर्शन करके उनकी अपनी मांगों को, उनकी मांगों को मांगे, ऐसा हम लगातार आंदोलन के माध्यम से करते आ रहे हैं। उसी क्रम में अब पूरे छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्थानीय मुद्दों को लेकर बहुत सारे वादे स्थानीय स्तर पर किए गए, बहुत सारे वादे राज्य स्तर पर किए गए, कई वादे यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने किए, यहाँ के विधायक, सांसद, यहाँ के महापौर, जगदलपुर विधानसभा के अंतर्गत एक भी विकास का काम नहीं हुआ है, सारे विकास के काम ठप पड़े हुए। छत्तीसगढ़ के जाने माने एक्यूपंचर के जानकार सुरेंद्र मिश्रा के द्वारा जगदलपुर के जगन्नाथ मंदिर में 7 दिन का शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में बस्तर संभाग के लोगों के द्वारा एक्यूपंचर के द्वारा लाभ लिया जा रहा है। सुरेंद्र मिश्रा खरियार रोड वाले ने बताया कि हम लोगों के द्वारा एक्यूपंचर का शिविर भारत देश के कोने कोने पर लगाया जाता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और भी कई दिगर राज्यों में हमारे द्वारा सेवा दिया जाता है। इस शिविर में रजिस्ट्रेशन करवाने वालों से सेवा शुल्क के नाम पर मात्र 200 रुपए ही लिया जाता है। इस 200 रुपए में वह पूरे एक हफ्ता 10 दिन तक अपना इलाज यहां आकर करवा सकते हैं। उनके द्वारा बताया गया कि हमारे 7 वीडियो से भी लोगों को सेवा दी जा रही है और मुझे भी सेवा देते हुए 25 साल हो गए हैं। जगदलपुर में इस शिविर का आयोजन किया गया है। अभी तक सैकड़ों की तादाद में लोगों ने लाभ प्राप्त किया। हमारे द्वारा उपचार के बाद पहले ही दिन से 30-40% लोगों की बीमारी को ठीक किया जाता है। हम लोगों के द्वारा सिर्फ कैंसर का ही इलाज नहीं किया जाता, बाकी सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज एक्यूपंचर के द्वारा किया जाता है। जो व्यक्ति चल नहीं सकता, जो व्यक्ति सुन नहीं सकता, जो व्यक्ति सालों से बिस्तर से उठ नहीं पाया है, ऐसे लोगों को भी हम लाभ पहुंचाकर उनको योग बना चुके हैं। वही शिविर में लाभ प्राप्त करने वाले मरीजों ने भी हमें शिविर के बारे में जानकारी दी और शिविर से जो उन्हें लाभ प्राप्त हुआ उसके बारे में बताया। मेरे कान काफी दिन से सुनाई कम दे रहा था जी। तो आज मैं इनके पास से कल आया, मैं इनके पास से तो ये इलाज किए हैं, इलाज करने के बाद अभी थोड़ा फायदा हो रहा है और दूसरा दिन है इलाज करोगे, जब तक रहेंगे तब तक मैं आऊँगा और फिर इलाज कराऊँगा इनका। और कहता मेरे को लग रहा है कि पूरा 100% मेरा सही हो जाएगा सर, दोनों कान सुनाई नहीं दे रहा था ठीक से, अब दे रहा है। हाँ अभी बस धीरे धीरे सुनाई नहीं दे रहा है पूरा। यहाँ तो पेट में प्रॉब्लम है उसके कारण आया था, अभी थोड़ा मशीन चला है उसकी वजह से थोड़ा हल्का लग रहा है। कितने दिन से करवा रहे हैं मसाज आप? 10 मिनट। 10 मिनट राहत मिली? शरीर में कुछ राहत टाइप का लग रहा है। दूसरों के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? ये सेवा भी दे रहे हैं, निःशुल्क टाइप का, ये 200 रुपये में कुछ नहीं होता, तो सबसे बड़ी सेवा दे रहे हैं। बस विगत 25 सालों से मैं इलाज कर रहा हूँ से, कैंसर छोड़ के जो भी पेशेंट आते हैं उनको फर्स्ट सिटिंग में 30-40% देते हैं, 3 दिन में 60-70% इलाज कर रहा। और जो भी पेशेंट अभी तक हमारे पास आए हैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं, कि मेरी घरेलू माँ बाप मेरे पिताजी के हम 7वीं पीढ़ी में हूँ, अभी तक जितने भी पेशेंट मेरे पास आए हैं वो सब सुरक्षित अच्छे और स्वस्थ होकर जा रहे हैं। आप जिस भी पेशेंट से पूछेंगे वो अच्छा ही होकर बताएँ, ये मेरी कहानी है। 7वीं पीढ़ी है मेरा, एक पेशेंट विधि है, लकवा हो, गाठिया हो, आपका क्या बोलते हैं हाथ पर भी दर्द हो, सर्वाइकल हो, किसी भी प्रकार का परेशानी हो, वो तुरंत पहले सिटिंग में 30% से 40% का लाभ होता है। ये सेवा के बदले कोई अपना सेवा भावना से हम करते हैं, 25 सालों से कर रहे हैं, 200 रुपया वो सेवा शुल्क ही समझिए,
ये तो बहुत भीड़ हो जाएगी, आप संभाल नहीं पाएंगे, इसके लिए 200 रुपये रखते हैं। 10 दिन भी आए, 12 दिन भी रहेगा कैंप, उसी 200 में इलाज। कितना दिन का कैंप लगाया? एक हफ्ता का रहता है, पहले 4-5 दिन का रहता है, पेशेंट बढ़ने से 2-3 दिन और बढ़ाते। विगत दिनों चित्रकोट वाटरफॉल में एक युवती ने छलांग लगा दी, हालांकि मौके पर ही लोगों ने उसे बचा लिया। बाद में पता चला कि युवती के परिजनों ने उसे मोबाइल यूज करने पर फटकार लगाई थी, जिससे नाराज होकर उसने यह कदम उठाया था। हालांकि समय रहते ही उसे बचा लिया गया। CSP विकास कुमार ने बताया कि 21 साल की युवती का नाम सरस्वती मौर्य है। वो अपना ज्यादातर समय मोबाइल पर बिताया करती थी। उसके इस आदत से परिजन परेशान हो गए। वह सरस्वती को इसके लिए डांटते थे। पुलिस ने बताया कि पिता संतो मौर्य ने मंगलवार को भी करीब दोपहर 1 बजे सरस्वती मौर्य को मोबाइल ज्यादा खेलने पर डांट लगाई। इससे नाराज होकर सरस्वती चित्रकोट वाटरफॉल पहुंच गई। चित्रकोट चौकी प्रभारी तामेश्वर चौहान ने मीडिया को बताया कि वाटरफॉल के पास सुरक्षा के लिए तैनात गाँव वाले नाव लेकर सरस्वती के पास पहुँच गए और उसे बचा लिया। पुलिस के अनुसार सरस्वती मौर्य चित्रकोट की ही रहने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक युवती चित्रकोट के एक होटल में काम करती है। कल शाम की घटना में 21 वर्षीय युवती, जिसका नाम सरस्वती मौर्य है, अपने माता पिता की डांट से बीमार हो जाकर लगा दी सुरक्षित है। उससे पूछताछ में उसने बताया सरस्वती ने कि एक्चुअली उसको मोबाइल देखने की लत सी पड़ गई थी, जिसके कारण उसके माता पिता ज़्यादा परेशान थे और उसी चक्कर में उसको डाला, जिसके बाद नाराज होकर उसने चित्रकूट वाटरफॉल में छलांग लगा दिया। कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का आज दंतेवाड़ा प्रवास हुआ। जगदलपुर से दंतेवाड़ा के लिए जब वह निकले तो सर्वप्रथम केसलू के कांग्रेसियों के द्वारा दीपक बैज का जोरदार स्वागत किया गया। उसके बाद बास्तानार किलेपाल में भी भव्य स्वागत किया गया। तदुपरांत PCC चीफ गीदम पहुंचे। गीदम पहुंचते ही वहां के कांग्रेसियों में उत्साह का जबरदस्त माहौल हो गया। दीपक बैज को कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने फूलमाला से लद दिया। उसके पश्चात प्रदेश अध्यक्ष का दंतेवाड़ा प्रवेश होते ही उनके द्वारा महेंद्र कर्मा के आदमकद प्रतिमा में पहुंचकर उन्हें आदर पूर्वक पुष्पमाला से समर्पित करते हुए नमन किया और उसके पश्चात दंतेवाड़ा के समस्त कांग्रेसी जन प्रतिनिधियों के साथ माई दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेने माँ दंतेश्वरी मंदिर में पहुंचकर आशीर्वाद ग्रहण किया। इस अवसर पर पूरे बस्तर संभाग से पहुंचे हुए कांग्रेसियों का दल दीपक बैज के साथ रहा। जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के ने कलेक्टोरेट परिसर से जिले में EVM एवं VVPAT मशीन के प्रसार प्रचार हेतु 3 मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
विधानसभा आम निर्वाचन 2023 को दृष्टिगत रखते हुए मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन तैयार किया गया है। वैन के माध्यम से मतदाताओं को ईवीएम एवं वीवीपैट मशीन की जानकारी सभी मतदान केंद्र, हाट बाजार, विद्यालय एवं महाविद्यालय में दी जाएगी। जिला निर्वाचन कार्यक्रम द्वारा सभी मतदान केंद्र को समाहित करते हुए जिले के 3 विधानसभा के लिए मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन में अलग अलग प्रभारी एवं प्रशिक्षक को दायित्व सौंपा गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के मार्गदर्शन में विधानसभा निर्वाचन 2023 में 100% मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग सुनिश्चित करवाने मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।